डिस्क्लेमर पढ़ना अनिवार्य और मैंडेटरी है क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर। जय जीनेन्द्र, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इंट्राडे लेवल एनालिसिस करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी सेंसेक्स बैंकर्स मिड कैप निफ्टी ऑप्शन एंड डाटा एनालिसिस 17 जनवरी 2024 के लिए, और शीर्षक दिया कल कैसा रहेगा बाजार। तो आज HDFC बैंक का रिजल्ट आया, रिजल्ट में कोई खास नहीं है मेरे हिसाब से, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, बाकी सब बोल रहे हैं कि रिजल्ट ठीक ही है, गुड है, लेकिन मेरे हिसाब से जो आता है उसी हिसाब से, कोई नया कोई खास नहीं है। अब देखते हैं कल मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है, इसके ऊपर उसके ऊपर निर्भर करता है। ये आज की समरी है। आज बैंक निफ्टी लिया था 48,500 का कुल सुबह 81 में, जो 121 में 50% बिकवा दिया था, फिर ऊपर 148 गया था, मेरा 156 का टारगेट था फर्स्ट, दूसरा 190 का था, लेकिन वहीं से घूम गया। और उसके बाद फिर निफ्टी लिया था 12.5 रुपया में, वो एक बार 2670 गया, उसके बाद फिर 22 रुपया गया, 21 में निकले। फिर हमने तीसरा अटैम्प्ट किया था निफ्टी 22,000 का पुट लिया था 56 रुपया में, और वो वहाँ से 114 का मेरा टारगेट था, वहाँ तक गया, 119 तक का हाई बनाया, तो वहाँ पे फुल प्रॉफिट बुक करवा देता 113 के पास। और चौथा अटैम्प्ट लिया था वो 21,400 का, फिर 0.25 रुपया में, लेकिन वो 0 हो गया। ओवरऑल समरी में 3620 रुपया आज जमा किए हम लोगों ने। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो और वीडियो के कंटेंट अच्छे लग रहे हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। दिस लाइट्स वीडियो इज फॉर एजुकेशनल लर्निंग पर्पस ओनली। एज पर प्रोविजनल डाटा अवेलेबल ऑन द NSE वेबसाइट से पुलअप किए, FIIN आज इंडेक्स में बाई किए 3404 करोड़ का, और सेल किए 3538 करोड़ का, नेट बेसिस पे 135 करोड़ का सेल किए। FIIN ने FNO स्टॉक्स में 1166 करोड़ का सेल किए, FIIN ने कैश में 656 करोड़ का बाई किए, और DII ने 369 करोड़ का सेल किए। ये डाटा शीट है 16 जनवरी की, और 17 जनवरी को कैसा रहेगा अपने उस एनालिसिस करेंगे। क्लाइंट ने 2703 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए इंडेक्स में, तो अभी सेल किए सॉरी, तो अभी उनके शॉर्ट रहते हैं 53,606, और FII ने सोल्ड किए 2096 कॉन्ट्रैक्ट, तो अभी भी उनके लॉन्ग है 79,599। प्रो ने 4,569 कॉन्ट्रैक्ट बोध किए, तो नेट बेसिस पर वो लॉन्ग में 3367 कॉन्ट्रैक्ट। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट ने आज 60,188 कॉन्ट्रैक्ट बोध किए, तो अभी उनके शॉर्ट चल रहे 2,30,059 कॉन्ट्रैक्ट। FII ने आज 101,850 कॉन्ट्रैक्ट बोध किए, तो नेट बेसिस पर वो लॉन्ग में 4,19,970 कॉन्ट्रैक्ट। प्रो ने सोल्ड किए 1,62,038 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट बेसिस पर वो शॉर्ट में है 1,89,911 कॉन्ट्रैक्ट। इंडेक्स पुट में क्लाइंट ने आज सोल्ड किए 4,75,599 कॉन्ट्रैक्ट, पौने 5 लाख एक ही दिन में, तो नेट बेसिस पर वो शॉर्ट में आ गए 4,53,185 कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि तेजी खेले हैं। और FII ने आज बाय बोध किए 2,71,500 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट बेसिस पे इंडेक्स पुट में वो लॉन्ग में आ गए 5,27,487 कॉन्ट्रैक्ट। प्रो ने बोध किए 2,06,599 कॉन्ट्रैक्ट, कल वो शॉर्ट थे 3,57,000, वो घटकर अभी भी उनके शॉर्ट चल रहे 1,51,148 कॉन्ट्रैक्ट। ओवरऑल समरी देखा जाए तो डाटा दोनों साइड है, बुलिश भी है और बेरिश भी है। बस अब HDFC बैंक का रिजल्ट का क्या मार्केट रिएक्ट कर रहा है उसके ऊपर है। बाकी जो डाउ जोन अभी माइनस है 225 पॉइंट, वो तो हम लोग ने डिस्काउंट कर लिया। अब कल एशियन मार्केट क्या रिएक्ट कर रही है और डाउ फ्यूचर क्या है, उसके ऊपर अपना बाजार निर्भर रहेगा। इंट्राडे वेडनेसडे 17 जनवरी 2024 के लिए सेंसेक्स स्पोर्ट बिलो 71,173 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 72,915, 72,705, रेजिस्टेंस ऊपर में 73,385। इंट्राडे वेडनेसडे 17 जनवरी 2024 के लिए बैंक स्पोर्ट बिलो 54,240 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 54,065, 53,930, रेजिस्टेंस ऊपर में 54,375। इंट्राडे वेडनेसडे 17 जनवरी 2024 के लिए मिड कैप निफ्टी स्पोर्ट बिलो 10,570 के नीचे सेल जोन रहेगा, सपोर्ट 10,476, 10,386, रेजिस्टेंस ऊपर में 10,658। मनी कंट्रोल BCR 0.90, मैं बनाता हूँ 1.2, ओवरबोट में है।
इंट्राडे वेडनेसडे 17 जनवरी 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप 10,450 का पुट वीकली वाला जहां कटे हुआ 25 के पास लीजिए, सपोर्ट 17 का, रेजिस्टेंस 64 और 90। अगर बाजार गैप डाउन खुलता है तो 59 के ऊपर हो तो बाई कर सकते हो 90 का टारगेट के लिए। इंट्राडे वेडनेसडे 17 जनवरी 2024 के लिए निफ्टी स्पॉट बिलो 22,050 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 21,960 और दूसरा 21,890 और 21,890 टूटे तो 21,820 तक आ सकता है। रेजिस्टेंस ऊपर में 22,114 का रखिए। मनी कंट्रोल PCR 1.21 और मैं बनाता हूँ 0.99, तो ओवरबोट में है अभी भी, तो थोड़ा कल करेक्शन मांग रहा है, सुबह शायद गैप डाउन खुले। इंट्राडे वेडनेसडे 17 जनवरी 2024 के लिए निफ्टी 22,100 का कॉल वीकली वाला जहाँ बड़े वहाँ 78 के पास बेचिए, रेजिस्टेंस 99 का लगाइए, सपोर्ट नीचे में 29 और 19। 29 या 19 के पास कहीं बाई करके चलना हो इंट्राडे नो ओवरनाइट तो आप ले सकते हो। इंट्राडे वेडनेसडे 17 जनवरी 2024 के लिए निफ्टी 22,000 का पुट वीकली वाला अगर एबोव 78-60 के ऊपर हो तो बाई कर सकते हो, रेजिस्टेंस ऊपर में 112 और 145 तक जा सकता है, और इनकेस मार्केट ऊपर खुलता है तो नीचे में सपोर्ट 54 और 45 दोनों दिया है, जहां मिले आप ले सकते हो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के। इंट्राडे वेडनेसडे 17 जनवरी 2024 के लिए फिन निफ्टी स्पॉट बिलो 21,458 के नीचे सेल जोन रहेगा, सपोर्ट 21,460 के नीचे 21,290, रेजिस्टेंस ऊपर में 21,501, मनी कंट्रोल PCR 0.97, मैं बनाता हूँ 0.95, थोड़ा ओवरबोट में बोल सकते हैं। इंट्राडे वेडनेसडे 17 जनवरी 2024 के लिए फिन निफ्टी 21,400 का कॉल वीकली वाला बिलो 217 के नीचे, यानी क्लोजिंग के नीचे हो तो सेल जोन और क्लोजिंग के ऊपर हो तो बाई जोन रहेगा, रेजिस्टेंस ऊपर में 258 का रखिए, नीचे में सपोर्ट 3 दिए, 187 और 125 के पास शायद मुझे लग रहा है कि बाइंग करना चाहिए, तो वहाँ से आपको 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के वहाँ से फिर आपको 30-40 पॉइंट का मुनाफा मिल सकता है। इंट्राडे वेडनेसडे 17 जनवरी 2024 के लिए फिन निफ्टी 21,300 का पुट वीकली वाला एबव 100 के ऊपर बाई कीजिए, क्लोजिंग के ऊपर हो तो बाई कीजिए, नीचे में सपोर्ट 75 और 52 दी है, इनकेस बाजार गैपअप खुलता है तो नीचे में 75 के पास या 52 के पास लीजिए 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के, रेजिस्टेंस ऊपर में 118, 136 और 155 तक जा सकता है। इंट्राडे वेडनेसडे 17 जनवरी 2024 के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट बिलो 48,145 के नीचे सेल जोन में रहेगा, सपोर्ट 47,980, 47,840, अगर 48 के नीचे ही खुलता है HDFC बैंक का रिजल्ट देखने के बाद और वहाँ पर 10-15 मिनट रुक जाता है 48,000 के नीचे, तो फिर ये कल कुछ भी हो सकता है, 47,500 भी आ सकता है, ये नोट कीजिएगा। रेजिस्टेंस ऊपर में 48,280, 48,445, मनी कंट्रोल PCR 0.93 और मैं जो बनाता हूँ 0.86 है। इंट्राडे वेडनेसडे 17 जनवरी 2024 के लिए बैंक निफ्टी 48,000 का कॉल बिलो 300 के नीचे सेल जोन कीजिए, क्लोजिंग 260 का दिया है और रेजिस्टेंस ऊपर में 405 और नीचे में सपोर्ट 155, 100 और 65 तक आ सकता है, 65 के बाद जहां नीचे मिले अगर जीरो हीरो के लिए खेलना हो तो ट्राई कर सकते हो, लेकिन बाजार का माहौल देख के। इंट्राडे वेडनेसडे 17 जनवरी 2024 के लिए बैंक निफ्टी 48,000 का पुट वीकली वाला जहां घटे वहां 75 के पास लीजिए, सपोर्ट मैंने दो दिए हैं 50, 25 एंड 0। अब बाजार अगर ऊपर गैप डाउन खुल जाता है तो फिर क्लोजिंग के ऊपर हो तो बाई कीजिए 140 के ऊपर, रेजिस्टेंस 205, 270 और 335 तक भी कल जा सकता है। अगर आपको कमोडिटी फॉरेक्स स्टॉक्स मार्केट एंड ऑप्शन लेवल से लर्निंग में बेनिफिट हो रही हो और इस कंटेंट से भी आपको कोई बेनिफिट मिलता हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। This slides video is for educational and learning purpose only. Thank you for watching our channel. मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय हिंद।